नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पंचायतों व नगर निकायों में तीसरी बार उपचुनाव की तैयारी हुई तेज। ई शिक्षा पोर्टल में खराबी की वजह से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे शिक्षक। ईओयू ने चलाया साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान। कम होगा प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया ऐलान। सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार, पूर्व तेज गेंदबाज ने दी अंग्रेजों को चेतावनी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायतों व नगर निकायों में तीसरी बार उपचुनाव की तैयारी हुई तेज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में रिक्त पदों पर तीसरी बार उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिलों में रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिन नगर निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में 15 जून तक रिक्त पद हैं, उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है। रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार कराई जाएगी। ये मतदाता सूची जनवरी 2024 की अंतिम मतदाता सूची के आधार पर तैयार होगी। नीट पेपर लीक के आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई ने अदालत में किया अर्जी दाखिल। नीट पेपर लीक मामले में पटना जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर की कॉपी को पटना सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में मंगलवार को जमा कराया गया। इसके साथ ही सीबीआई जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेने और पेशी करने की कवायद में जुट गई है। सीबीआई की दिल्ली शाखा ने नीट मामले में दर्ज एफआईआर में नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश कुमार, सिकंदर यादवेंदु, बिट्टू कुमार संजीव, अमित आनंद, आयुष राज को नामजद अभियुक्त बनाया है। इनमें रॉकी और संजीव को छोड़कर सभी अभियुक्त जेल में बंद हैं। इसके अलावा सीबीआई द्वारा अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बालू माफिया से साठ गांठ के आरोप पर दरोगा सहित 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार के छपरा जिले में बालू माफिया से साठ गांठ के आरोप में सारण एसपी कुमार आशीष द्वारा भगवान बाजार थाने में तैनात दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इन सभी पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि ये सभी अवैध वसूली कर बालू लदी गाड़ियों को चेक पोस्ट पर पार करवा रहे थे। इस संबंध में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके बाद सारण एसपी द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। वहीं जांच में सही पाए जाने पर सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। ई शिक्षा पोर्टल में खराबी की वजह से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे शिक्षक। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 25 जून से ई शिक्षा पोर्टल ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का निर्देश दिया गया था। पहले दिन मंगलवार को ई शिक्षा पोर्टल ऐप पर 80,000 शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराई गई है, लेकिन अब पहले ही दिन ई शिक्षा पोर्टल ऐप में कई खराबी सामने आ रही है। मंगलवार की सुबह जब शिक्षक पोर्टल खोलने लगे तो किसी के मोबाइल पर पोर्टल नहीं खुल रहा था, तो वहीं किसी का आईडी पासवर्ड इनवैलिड बता रहा था। वहीं कुछ शिक्षकों ने जब पोर्टल खोला तो उनके विद्यालय का लोकेशन गलत बता रहा था। इस वजह से अधिकतर स्कूलों के शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं। तो वहीं अब इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा विभाग में परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की गई है। ये उन शिक्षकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा जिन्हें ऐप से हाजिरी बनाने में परेशानी हो रही है। मधुबनी में खुला पहला मैथिली मूवी हॉल। जानकी सिनेमा प्रोडक्शन हाउस के द्वारा पहला मैथिली मूवी हॉल जानकी मिनी सिनेमा मधुबनी में खोला गया है। इस सिनेमा हॉल को खोले जाने का मुख्य उद्देश्य मैथिली सिनेमा को जन जन तक पहुंचाना है। यह अपने आप में इकलौता ऐसा हॉल है जिसे मिथिलांचल में सिर्फ मैथिली फिल्मों के प्रदर्शन के लिए खोला गया है। इस सिनेमा हॉल की शुरुआत महाकवि विद्यापति के जीवन पर बनी मैथिली फिल्म विद्यापति से की गई है। ईओयू ने चलाया साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान। ऑनलाइन शॉपिंग और कस्टमर केयर के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ पटना की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पहले चरण में 6 जिले नवादा, पटना, शेखपुरा, नालंदा, सारण और गोपालगंज में अभियान चलाकर 58 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे अधिक गोपालगंज से 18, नवादा से 15, पटना से 13, सारण से 6 और नालंदा और शेखपुरा से 3-3 अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है। कम होगा प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लिया फैसला।
22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेल यात्रियों को वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है। रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम जैसी फैसिलिटीज और बैटरी से चलने वाली कार जैसी सर्विसेज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी हटा दिया है। तो वहीं प्लेटफॉर्म टिकट पर लगने वाले 5% जीएसटी को भी हटा दिया गया है। यानी कि जो टिकट पहले 10 रुपये की मिलती थी उसकी कीमत अब 50 पैसे घटकर 9 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। नीट के बाद एक और केंद्रीय विभाग में फर्जीवाड़ा, जांच के बाद लिया गया एक्शन। नीट पेपर कांड के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पोस्टल विभाग में फर्जी बहाली की भी जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद पूर्वी चंपारण में इससे जुड़े 19 फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को पकड़ा गया है और उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया है। पोस्टल विभाग में बहाल डाक कर्मी के सर्टिफिकेट की जांच के बाद 19 कर्मियों के सर्टिफिकेट फर्जी निकले, जिसमें 16 कर्मियों के सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर से और 3 ने पश्चिम बंगाल से बनवाए थे। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज कराया गया है। वहीं और भी डाक कर्मियों की जांच की जा रही है। दिव्यांग कोटे से चयनित 6 अमीनों की नियुक्ति हुई रद्द। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिव्यांग कोटे से चयनित 6 अमीनों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। दरअसल इन 6 अभ्यर्थियों से 18 फरवरी को काउंसिल के दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा गया था। काउंसिल में उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा था कि इन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की पुष्टि इनके प्रमाण पत्र से नहीं होती है, जिसके बाद नए सिरे से इनके दिव्यांगता की जांच करने की बात सामने आई। इस फैसले के बाद इन 6 अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर बुलाया गया, लेकिन ये अपनी जांच के लिए पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद इनका नाम नियुक्ति सूची से हटा दिया गया है। नगर विकास व आवास विभाग में सृजित 2 नए संवर्गों का वेतनमान निर्धारित। बिहार के नगर विकास व आवास विभाग में सृजित किए गए 2 नए संवर्गों के लिए वित्त विभाग द्वारा वेतन संरचना का निर्धारण कर दिया गया है। वर्ष 2021 में ही बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली व बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली को नगर विकास व आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था। इन दोनों संवर्गों में 3-3 पद सोपान होंगे, जिनमें से 2 पद वरीयता क्रम में प्रोन्नति वाले हैं। इन तीनों पदनामों के लिए वेतनमान स्तर 6 से 8 तक ले इन तीनों पदनामों के लिए वेतनमान स्तर 6 से 8 तक के लाभ और दूसरी सुविधाएं दिए जाएंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 जून को होगी बैठक, कई बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम। 29 जून को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होनी है। इसके लिए तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर है। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी के संबंधित नेताओं को संदेश भेजा जा चुका है। इस बैठक में करीब 100 की संख्या में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के तमाम मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। दूसरी बार ओम बिरला बने लोकसभा के स्पीकर। भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए सदन में चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में ओम बिरला भारी मत के साथ दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस चुनाव में ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सुरेश के बीच मुकाबला था। वहीं चुनाव में ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए चुना गया। इसके बाद पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओम बिरला की मुस्कान सदन को खुश रखेगी। पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस अधिकारी लिख रहे प्रशांत किशोर की सियासी पटकथा। जन स्वराज यात्रा के संयोजक और संस्थापक प्रशांत किशोर अक्टूबर में अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। तो वहीं पार्टी के ऐलान से पहले उन्होंने पार्टी के नियम, संगठन, उद्देश्य और सिंबल से लेकर हर चीज की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए उन्होंने 6 सदस्यीय टीम बनाई है, जो उनकी पार्टी के संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इस टीम में ज्यादातर पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी को शामिल किया गया है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने महागठबंधन और एनडीए को विधानसभा के चुनाव को लेकर खुली चुनौती दी है और जीतने का दावा किया है। ओवैसी के फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे पर ललन सिंह की प्रतिक्रिया। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाने पर विवाद जारी है। वहीं अब इस पर जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान भी सामने आया है। बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बुधवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह गलत है, आप भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और इसके साथ आप किसी विदेशी मुल्क का जिंदाबाद करते हैं, यह दर्शाता है कि आपने आधे मन से शपथ लिया है।
सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार। पूर्व तेज गेंदबाज ने दी अंग्रेजों को चेतावनी। भारत और इंग्लैंड के बीच 27 जून यानी कल T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। भारतीय टीम अभी तक मात्र एक मैच को छोड़कर अपने सारे मैच को जीतकर ग्रुप स्टेज और सुपर 8 में टॉप पर रही है। तो वहीं अब सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत ने इंग्लैंड टीम को भारत से सावधान रहने की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव खतरनाक साबित हो सकते हैं और 2022 में T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, रकीब रजा, राकेश मिश्रा, राजकिशोर महतो, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, हलेश्वर कुमार, आजाद अंसारी, संजीत कुमार, कुमार धीरज, कुमार कौशलेंद्र, संजीव कुमार, नौसाद रजा, मोहम्मद असगर कमाल, छोटू रजा, बाबुल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में तापमान में गिरावट आई या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।